नमस्कार फ्रेंड्स, प्रतीक्षा किचन वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं लस्सी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो लस्सी, जो बनेगी घर के ही बने ताजे दही से। तो ये दही मैंने घर पे ही बनाया है। घर पे ताजा और गाढ़ा दही कैसे बनाते हैं, इसका मैंने वीडियो पहले ही अपलोड किया है। इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बताऊंगी। तो देखिए, ये मैंने दही बनाया है। अब लस्सी बनाने के लिए हमें आवश्यकता है दही की। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा पतीला लिया है, उसमें हम ये दही ले लेंगे। करीब करीब आधा लीटर दही मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं। इसमें मैं मिलाऊंगी चीनी। चीनी आप आपके स्वादानुसार मिला सकते हैं। एक कप चीनी मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि ये जो दही है ये बिल्कुल फ्रेश है, इसलिए इसमें ज्यादा चीनी की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये जो दही है ये बिल्कुल ताजा और खट्टा नहीं है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे ज्यादा चीनी की आवश्यकता नहीं होगी। अगर दही खट्टा होगा तो चीनी उस हिसाब से आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कप के करीब चीनी ली है और इसमें मैं अब मिलाऊंगी एक चुटकी भर नमक। नमक थोड़ा सा स्वाद को इसको और इन्हांस करेगा, इसलिए मैंने सिर्फ एक चुटकी नमक यहाँ पे लिया है। इसे हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के लिए यहाँ पे मैंने ये जो हमारे घर में सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है इसका इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके का रोया आप यूज कीजिए। लस्सी बनाते समय आप मिक्सी का इस्तेमाल ना करें, इसी तरीके का चम्मच आप यूज करें। लस्सी बनाते समय आपको पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है और मिक्सी का भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हम मिक्सी का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो रेशे होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, यानी कि इसकी मलाई जो है वो खराब हो जाती है और दानेदार जो लस्सी होती है वो हमें नहीं मिल पाती। तो देखिए, ये हमारी लस्सी बिल्कुल मार्केट जैसी गाढ़ी सी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें मैंगो पल्प मिलाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है मैंगो पल्प। ये वही मैंगो पल्प है जो हमने प्रिजर्व करके रखा था फ्रीजर में। इसका भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि काफी समय तक मैंगो प्रिजर्व कैसे करके रखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगी। तो देखिए, ये मैंने मैंगो पल्प इसमें मिलाया है। अब हम इसे दोबारा से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मैंगो लस्सी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब हम इसे सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए यहाँ पे मैंने दो कांच के ग्लास लिए हैं। आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी और मलाईदार हमारी जो लस्सी है वो बनके तैयार हो चुकी है। बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनी हुई, ना कोई एडेड प्रिजर्वेटिव्स और ना कोई केमिकल। तो घर पे ही बनाइए ऐसी ही स्वादिष्ट और मलाईदार ताजे मैंगो की बनी हुई ताजी लस्सी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करना ना भूले। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसे बनाने के बाद आप हमें आपकी राय जरूर बताइए।